अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अलिशबा और आप देख रहे हैं अलिश बेकस्ट्री। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज शाही शीर खुरमा। बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, तो वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शीर खुरमा तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा घी, सेवइयां, चीनी, बादाम, इनके हमने छिलके उतार लिए हैं, किशमिश, इन्हें हमने पानी में भिगो दिया था, छुआरे, पिस्ता, मीठा खोया, चावल का आटा और दूध। एक पैन में घी लेंगे हम 1 टेबल स्पून, पिस्ता ले रहे हैं हम यहाँ पे 20 से 25 अदद, गोल्डन छुआरे ले रहे हैं 20 से 25 अदद, अगर आपके पास गोल्डन नहीं है तो आप दूसरे छुआरे यूज कर सकते हैं। बादाम लिए हमने यहाँ पे 20 से 25 अदद, किशमिश ली है 25 से 30 अदद। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे लो फ्लेम पर। ज्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, बस इतने में ही ठीक है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसी पैन में 1 टेबल स्पून घी लेंगे, क्रश्ड हुई हुई इलायची डालेंगे इसमें 5 अदद, सेवइयां जाएंगी इसमें 1 कप। लो फ्लेम पे सेवइयों को भी हम भून लेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, ज्यादा डार्क मत कीजिएगा। यहाँ पे दूध लिया है हमने 1 लीटर, इसको हम बॉइल कर लेंगे। हमारा दूध बॉइल हो चुका है, इसमें हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, भुनी हुई सेवइयां, चीनी 1 कप, खोया 3 टेबल स्पून, चावल का आटा लिया है हमने, उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको घोल के डालेंगे। अगर आप चावल का आटा ऐसे ही डालेंगे इसमें डायरेक्ट, तो चांसेस हैं कि इसमें लम्स बन जाएं, ये हम घोल के डाल रहे हैं। केवड़ा डालेंगे 1 टीस्पून और इसको हम पका लेंगे। पकाते हुए इसको चम्मच चलाते रहना है, 10 से 15 मिनट चलाएं पकाएंगे ताकि ये इतना गाढ़ा हो जाए। तब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारा लाजवाब शाही शीर खुरमा तैयार है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।